आज अप्पू की हल्दी की रस्म है और बसु परिवार में खुशियां तो हैं भी और नहीं भी, क्योंकि शुभो षड्यंत्र रच कर तो रखा है पर अंजना, बाबलू, माँ, बाबा, छोटौन, अनी इन साजिशों से बेखबर हैं। तनुजा, बिहेव नॉर्मल। हमें ऐसा बिहेव करना है जैसे सबको लगे हम दिल से कर रहे हैं। आखिर वो दिन आई क्या अंजना? आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती, पर मुझे सही में कोई दिक्कत नहीं है कि अप्पू की शादी लालून से हो रही है। अच्छा लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है और सबसे जरूरी, लालून जैसे अप्पू से प्यार करता है वैसा कोई नहीं करेगा। अब अप्पू को अपना परिवार मिल जाएगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अंजना, हमारी अप्पू का सपना सच होने जा रहा है। सब ठीक है, आर यू रेडी? और अब सृष्टि जहां आ गई वहां तबाही तो साथ लाएगी ही, आखिर किसी और की खुशी उसे देखी कहां जाती है। सृष्टि जी, पेशे से वकील हूं, अब चिंता मत कीजिए, तो वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। उसमें जो कुछ भी कमाऊंगा बस अप्पू के लिए कमाऊंगा, इसके भविष्य के लिए काम आएगा वो पैसा। अच्छा अंजना, हमारी अप्पू वहां एडजस्ट कर लेगी ना? लालून और उसके बीच का प्यार काफी होगा ना अंजना? आप ये शादी तो होने दीजिए, देखिए इसका लौट कर आने का मन भी नहीं करेगा। यहाँ अप्पू जिससे भी प्रेम करती है उसी में स्वर्ग ढूंढ लेती है। और जहां अंजना और बाबलू आपस में बातें कर रहे हैं, वहीं अब अप्पू को भी इतना खुश देखकर दोनों माँ बाप आज बेहद खुश हैं। और वैसे भी ये घर बड़ा है पर यहाँ के लोगों का दिल छोटा है, और वाह, घर छोटा है पर लोगों का दिल बड़ा है। देखना, हमारी अप्पू बहुत खुश रहेगी, सुखी रहेगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मुझे अगर पहले पता होता ना कि आपके घर में ये सब होने वाला है तो मेरी बेटी की शादी कराने से पहले दो बार सोचती। अब तो मेरे जान पहचान वालों को भी पता चल जाएगा कि मेरे दामाद की बड़ी बहन एक बस्ती के लड़के से शादी कर रही है। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। सृष्टि जी, आप तो अपने घर में रहते हैं, हम तो इसी घर में रहते हैं, अब हमारे बारे में सोचिए, हमारी इज्जत का क्या होगा। और जैसी इनकी सोच है वैसा ही इनका व्यवहार भी। एक बेटी की शादी में भी दिल से खुशी नहीं है इनको। सुबह शाम सिर्फ शादी शादी शादी, और जब से ये शादी घर से हो रही है ना, तब से तो इस लड़की ने पूरा घर सर पे उठा लिया है। दादी, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? अरे क्यों नहीं लगाऊंगी, आज मेरे अप्पू की गाय होलुद है, हर कोई अप्पू को हल्दी लगाएगा। मैं तुझे भी भूत कर दूंगी, तुझे लगाऊंगी। पहले तो ये लड़की आधी पागल थी, जब से इसे पता चला है घर पर ही शादी हो रही है, अब तो पूरी तरह से पागल हो गई है। अरे ठम्मी, हाँ हल्दी तो चल ही रही है, गाना बजाना नहीं होगा? अप्पू दी, आज आप गाना नहीं गाएंगे? अरे गाऊंगी, मेरी हल्दी तो हो जाने दो। वैसे तेरी मुझ सीधी बात कर रही है, गाना तो गाना ही पड़ेगा। और आज किसको पता कि टेढ़ी मुंह आज इतनी सीधी बातें आखिर क्यों कर रही है, क्यों किसी को भनक नहीं पड़ती एकाएक इतना दिखावा देखकर। वहीं अब मिमी आती है अर्शी के पास और एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? आज मेरा गाय गोलोद नहीं है, और वैसे भी मुझे हल्दी वल्दी सब बकवास लगता है, सो प्लीज मेरे साथ ये मत करना।
कोई बात नहीं मिमी, तुम इधर आ जाओ। मतलब अर्शी बेटा ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारी भी तो गाय होलुद हुई थी, सारी रस्में की थी हमने। एग्जैक्टली थमी, वो रस्म थी इसलिए करना पड़ा, लेकिन आज मेरी हल्दी नहीं है और वैसे भी मैं पूरा दिन सनफ्लावर बन के नहीं घूम सकती। अरे बाबा रे, तुम्हारे कितने नखरे हैं हाँ? हल्दी लगाना ना अच्छी बात होती है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम हाँ? ऐसा मत करो। तुम्हें पसंद नहीं है ना तो जाओ, जाओ जाओ, जाके लंदन में जाके रहो फिरंगी की तरह। अपू दी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखिए आज आपकी हल्दी है, कितने सारे लोग आए हुए हैं, अच्छे से बात कीजिए प्लीज। ठीक है, इतने अच्छे से बोल रही हो तो चुप हो जाती हूँ। और आज बिपाशा की हर बात को मानने पर मजबूर है अपू, क्योंकि आज उसमें प्यार दिखता है। पर माँ को भी बिपाशा में इतना बदलाव देखकर हैरानी तो होती है, पर अब अर्शी की वजह से माहौल में थोड़ी और कड़वाहट तो आ ही गई है। और शुभो, इस लालान को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना आगे चलकर कौन कह सकता है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बनेगा। एक ही बेटा है मेरा, बहुत मुश्किल से उसे पाला है क्योंकि बचपन में इसके पापा गुजर गए थे। उसकी माँ तो मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे बारे में कभी जान ही नहीं पाएगी। और अब कुछ बस्ती से लोग आते हैं घर पर। अप्पू के लिए शगुन आया है लालौन के घर से, और उसकी बहन चारों तरफ नजर घुमाती है ये बड़े से महल को देखकर। पर सृष्टि की नजर उन पर पड़ते ही उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ सा जाता है। ये लोग कौन है? ये लोग बस्ती से आए हैं अप्पू के लिए गिफ्ट्स लेकर गाय हलूद के लिए। सिर्फ दो ही गिफ्ट्स की ट्रे लेकर आए हैं। अब इस बात पर मैं हंसू या रो, आई रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। वो कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, यहाँ ये बात सच नहीं है। देखो जरा इन्हें, इस लड़की की बहनें और दोस्त इज्जत की धज्जियां उड़ा के रखती है। और जहां ये लोग रुके हैं कि कोई तो उन्हें आने के लिए कहे आगे, वहीं अब अप्पू की नजर पड़ती है उन पर और बस। अरे वो देखो, मेरे ससुराल वाले आ गए। ला ला हाँ। बाऊदी तुम कौन हो? अभी मैं झिमली आपकी ननद। ओए बाबा जी, मैंने तो सुना है ननद शेरनी होती है। तुम डराओगी या प्यार करोगी? लो सुनो, डरने की बात कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है? तुम्हें देख के तो लगता है तुम बहुत प्यारी हो, प्यारी जोगी तुम। हाँ मैं भी तुम्हें ना बहुत सारा प्यार दूंगी। एक बात बताओ, तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना तो खिलाओगी ना? नहीं। माँ खिला देगी आपको खाना। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम क्या करोगी? मैं आपके बाल बनाऊंगी और आप और भी सुंदर लगोगी। हाँ। लेकिन हाँ, बदले में आपको मेरे लिए गाना गाना होगा, मंजूर? वो तो मैं खुश रहती हूँ तो वैसे ही गाती हूँ, आज भी गाऊंगी देखना। हाँ। और अब अप्पू को अपने ससुराल वालों से ऐसे घुल मिल कर बातें करते देख अंजना तो बहुत खुश है, और कोई हो या ना हो। देखिए हमारी अप्पू अपनी ननद से कितने अच्छे से बात कर रही है। हाँ अंजना, बस सब इसी तरह अच्छे से हो जाए। और आज अंजना और बाबलू के लिए यही सबसे बड़ी बात होगी कि कोई भी तरह से रुकावट ना आए उनकी बेटी की खुशियों में। आज पहली बार
अप्पू इतनी खुश है और हर किसी की बात भी मान रही है, तो क्या अब आगे की रस्में भी इसी तरह हंसी खुशी के साथ होगी या फिर से माहौल में कुछ गर्माहट बरसेगी? देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर छनक की सारी अपडेट्स जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, और बने रहिए आज की सारी अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।